हाँ जी, आप एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 तो स्टार्ट करते हैं। ये आपने की करना है, ये आपने संपूर्ण संख्यावां की भाग करनी है। ठीक है जी, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो पहला सवाल आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1st का फस्ट पार्ट, 76 नूं 19 से भाग करनी है। बिल्कुल सिंपल है, सानूं भाग सब नूं करनी आती है। ठीक है जी, तो 76 विच रख के आप 19 से भाग कर देने होंगे जी। ठीक है जी, 19 चौक किन्ना होंगे 76, तां किन्ना आंसर आ गया 4 आंसर आ गया। अगे देखो जी, दूजा सवाल -125 नूं भाग करनी है -1 दे। तो आप इस तरीके ना करांगे जी, -180 नूं 125 नूं भाग करनी है -1 दे। या आप इसनूं सिंपल लिख सकते हैं जी, ब्रैकेट ओपन करके -1 दे भाग करनी है। तो पहला 125 नूं भाई 1 दे भाग कर देंगे। जे आप किसी भी नंबर में 1 दे भाग करें तो उही आंसर आ जाता होंगे। देखो यदा की मतलब है, 125 अपने को है रोटियां ने, तो आपने एक बच्चे को देनी है, तो एक बच्चे को कितनी आएंगे, 125 ही आएंगे पूरी, तो 125 तो आंसर आ गया। हुण जिवें आप गुणा दे विच करदे सी, उरे दो बारी माइनस है, सॉरी दो बारी माइनस लगे हुआ। ठीक है जी, तो यह प्लस बन जूगा। ठीक है जी, तो सेम ये भी 125 की बन जूगा, प्लस का बन जू। अगे देखो जी, ये तीजा भाग हो गया अपने तो गलती ना, कोई गल नहीं, आप हूँ दूसरा भाग उरे कर दें। -156/112। देखो जी, आप लिख सकते हैं -156 नूं 112 दे भाग करनी है। तो भाग नूं आप इस तरीके भी लिख सकते हैं। हुण देखो जी, आप माइनस उपर भी माइनस नीचे भी, तो माइनस ना माइनस कैंसल हो जूगा। चाहे आप कैंसल ना भी करिए कोई दिक्कत नहीं होंगी, भी कैंसल उरे पर लिखना होंगे। ठीक है जी, तो आप 156 नूं सीधा 12 दे भाग करांगे। 12 एकम 12, 3 6 12 दी कि आ गया 36। तो अपने को आ गया 13 आंसर। ठीक है जी, 13 की तरह जो प्लस द, क्योंकि माइनस ना माइनस कैंसल हो जाता है भाग के। अगे देखो जी, 125 नूं -25 दे भाग कर रहे हैं। पहला 125 नूं 25 दे भाग करता, कितना आ गया 5 आ गया जी, 25 5 125। फिर नीचे की लग्या होया माइनस है, माइनस एक बारी है, तो माइनस एक बारी आप उरे लिखा, बस इन्ना ही काम है जी, जिवें आप गुणा च करते सीगे। हुण -15 नूं आपां ने 15 दे भाग करता, तो 15 नूं 15 दे भाग करांगे 1 आ जूगा जी, तो मुरे की लग जूगा माइनस। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सवाल है जी ये, डिवीजन दे एक पार्ट रह गया जी अपने को, 5th पार्ट। 0 नूं -5 दे भाग करांगे। 0 अपने कोई 0 रोटी है, अपने को 0 टॉफियां ने, तो -5 बच्चे नूं वंडनियां ने, चाहे -5 नूं वंडो चाहे +5 नूं वंडो, जो टॉफी है ही नहीं अपने को, एक नूं किन्नी किन्नी आऊगी, 0 0 आऊगी, तो 0 की है इहदा आंसर। अगे देखो जी, सवाल नंबर 2, -18 ते 0 दे विचकार विचकार आने वाली अजिष्ट संख्यावां पता करो। -18 ते 0 दे विचकार आने वाली अजिष्ट संख्यावां पता करो। तो देखो जी, नंबर लाइन है जी अपने कोले, आपां ड्रॉ कर ली। तो उरे अपने कोले -18 होगा, -17, -16, तो एवें नंबर होणगे जी। तो आप 0 के विचकार किन्नियां संख्यावां आणगियां जिस तों पता करनियां ने, वो लिख देंगे आप लिख देंगे -18। बस लिखने की भी कोई लोड़ नहीं हैगी, आप सीधा आंसर लिखांगे जी। इहदा विचकार किन्नियां ने, -16 होगी जी जिस तों आऊगी, फिर माइनस कि आजगी 14, -12 आजगी, -10। ठीक है जी, सारे अपन ईवन इंटीजर लिखने, जिहड़े दो दे भाग होंदे ने ईवन इंटीजर लिखांगे सारे। ठीक है, तो -8 भी आ जाऊगा, -6, -6, -4, -2। तो यह सारिया संख्यावां ईवन इंटीजरस ने, जिहड़े कि -18 ते 0 दे विचकार आणगे। अगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3, -9 ते 9 दे विचकार आने वाली टांक संख्यावां लिखो। देखो जी, आप नंबर लाइन इमेजिन करिए, सोचिए अपने माइंड के दिमाग के, उरे 0 है, इतने कितने -9 होगा, उरे प्लस का 9 होगा, तो विचकार केड़ियां संख्यावां आ गई अपने को, आप लिखनी ने ऑड इंटीजर टांक, कितने उरे -7 होगा जी, -5 भी आजूगा, -3 भी आजूगा, -1 आजूगा, तो यह सारिया संख्यावां लिखांगे आप, -7, -5, -3, -1, तो उरे 1 आ जूगा, फिर 3 आ जूगा, फिर 5 आ जूगा, फिर
सत्त आ जाऊगा, बस अगे तो फिर नौ आई जाऊगा। ठीक है जी, इस तरीके आप कर सकते सारा काम उरे कि नंबर लाइन का। अगे देखो जी, ये विचार माइनस अठ भी तो होगा, वैसे तो आप नहीं लिखे माइनस छे होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने अपने को पूछा सिर्फ टंग संख्या पूछा, सिर्फ ऑड इंटीजर पूछे हुए थे अपने। अगे देखो जी फोर्थ पार्ट, माइनस 240 नूं किस संख्या नाल भाग करिए किस कोला प्राप्त हो जाए। आप मान लिया कि आप एक्स नाल भाग करांगे, ठीक है जी, तो आप 240 नूं जे एक्स नाल भाग कर दिए तो आपां कितना प्राप्त हो जाऊगा, 16। देखो जी उरे एक चीज़ समझो ध्यान नाल, बहुत इंपोर्टेंट है। देखो मैं सानूं की कहना चाह रहा, जे आप 15 नूं 3 ते भाग कर दिए तो आपां नूं 5 प्राप्त होगा, जे आप 15 नूं 5 ते भाग कर दिए तो आपां नूं 3 प्राप्त होगा। ठीक है जी, देखो 3 उपर चला गया 5 नीचे आ गया, 5 उपर चला गया 3 नीचे आ गया, क्योंकि 3 ते भाग करिया 5 आया, 5 ते भाग करिया 3 आया, तो उरे भी सेम यही चीज़ होगी अपने को। 240 नूं एक्स ते भाग करिया 16 आ गया, जे 240 नूं आपां 16 ते भाग कर देंगे तो अपने को आ जाऊगा एक्स आ जाऊगा। तो अपन एक्स की वैल्यू पता करनी है, माइनस 240 आप 16 से भाग कर देंगे, तो 240 16 से भाग करा, 16 एकम 16, 24 घटावे 16 कि बच गया जी 8 उपर आ गई 0, 16 5 80, तो कि आ गया जी अपने को 15 आ गया। हम 15 कहता होगा माइनस दो, क्योंकि माइनस एक बार लगे एक्स की कीमत किन्नी आ गई, माइनस 15। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 5, मुल पता करो, फाइंड द वैल्यू। तो देखो जी इन्हें सवालों आप करते हैं, सब तो पहला आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, ब्रैकेट पहला आप ब्रैकेट हल करा, तो पहला आप इस ब्रैकेट में हल कर लेंगे। देखो जी कि मैं 125, मैं 125 नूं एवें रख लिया पहला भाग, पहला मैं 5 नूं माइनस 1 ते भाग करूंगा, 5 नूं 1 ते भाग करिया 5 आ जाऊगा, हुण 5 कहदा आऊगा माइनस दा आऊगा। ठीक है जी, मेरे को आह इक्वेशन बन गई। हुण मैं 125 नूं 5 ते भाग करूंगा, 125 नूं 5 ते भाग करिया किन्ना आ जाऊ मेरे को 25 आ जाऊ। ठीक है जी, मैं उड़े तुम साइड से कर सकते होंगे, मैं इन्नी मूझ बनी कर लिना, 5 दूनी 10 25 आ गया, 5 5 25 तो कट गया, तो 25 आ गया। हमने 25 कहदा आऊगा, ये 25 आऊगा माइनस, क्योंकि उरे माइनस एक बार हैगा सीगा, तो जो भाग च एक बार माइनस हो माइनस आता होंगे। ठीक है जी, अगे देखो जी दूजा भाग पार्ट 2, 169 पहले आप 13 से डिवाइड करना, आह ब्रैकेट भी हल करनी है, फिर आह ब्रैकेट हल करनी है, जिहड़ा आंसर आऊगा इत्थे लिखांगे, जिहड़ा आंसर आऊगा इत्थे लिखांगे, फिर दोवां नूं आपस च भाग करांगे। आपां तां पहलां 169 नूं 13 ते भाग करिया, आपां ने 169 नूं 13 ते आपां भाग करिया, 13 एकम 13, 3 उपर आ गया 9, 13 3 39, तां 39 आ गया जी अपने कोल इहनूं भाग करके, सॉरी 39 नाल 39 कट गया, किन्ना आ गया 13 आ गया। फिर आपां 26 नूं 2 ते भाग करिया, 26 नूं 2 ते भाग करन बाद 26 दा पद कर दांगे 13 आ जाऊगा, हूँ 13 नूं 13 दे भाग कर देंगे कितना आ जाऊगा 1। ठीक है, 13 नूं 13 दे डिवाइड करता कितना आ गया 1। तो पहला आपने आ ब्रैकेट सॉल्व की, फिर आ ब्रैकेट सॉल्व की, फिर जिहड़ा आंसर आ गया लिख ले, फिर उन्होंने आपस च सॉल्व कर लिया। अगे देखो जी पार्ट 3, तीजा भाग हैगा पंजवें का, माइनस 105 नूं 3 ते भाग करना है। ठीक है जी, फिर जिहड़ा ब्रैकेट दे विच आंसर आ जाऊगा फिर उन्होंने आपां 7 ते भाग कर देंगे। देखो जी पहला आपां माइनस 105 नूं 3 ते भाग करांगे, माइनस छड़ देंगे 105 नूं 3 ते भाग कर, 3 3 9, 10 चो 9 घटावे 1 आ जाऊ, उपर उतारांगे 5, 3 5 15, कट गए जी 0 आ गया, तो किन्ना आ गया 35 आ गया, 35 किहदा होगा यह माइनस का, फिर आपां इहनूं 7 ते भाग कर देंगे, तो किन्ना आ जाऊ माइनस 35 नूं 7 ते भाग करांगे। ठीक है, 35 7 ते भाग करांगे 5 आ जाऊगा जी, माइनस आ गया, तो माइनस कितने लग जाऊगा अगे। ये सी अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगे है जी क्वेश्चन नंबर 6, सरल करो सिंपलीफाई करना है पहले इन्हां नूं। देखो जी की सवाल है, 12 माइनस आ ब्रैकेट है, तो पहला आप ब्रैकेट सॉल्व करांगे, पहला आपने आ चीज़ सॉल्व करनी है, हुण इहदे अंदर की है अपने कोल 8 प्लस 27 भाग, फिर ब्रैकेट है, फिर पहला ब्रैकेट सॉल्व, पहला आप छोटी ब्रैकेट सॉल्व करांगे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप एवं ही लिखी जावे, तो पहला आप सॉल्व करनी है छोटी ब्रैकेट,
देखो जी एक चीज़ ध्यान रखियो, सब तो पहला आप ब्रैकेट सॉल्व करते होंगे, ठीक है जी, फिर आप ऑफ लिखे होंगे क्वेश्चन में, ऑफ उन्होंने सॉल्व करते होंगे, उरे है नहीं कि छड़ देंगे, फिर आप करते होंगे सॉल्व भाग में डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन, इन बोलिया जाता बोर्ड मास रूल, ठीक है जी। पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ ऑफ क्वेश्चन है नहीं गा, फिर आप करते होंगे डिवीजन मतलब कि डिवाइड भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। पहला आप सॉल्व करा ब्रैकेट, ठीक है जी। हम ब्रैकेट कि सॉल्व करनी है, पहला 15 वाली, हूँ देखो जी, हूँ इस ब्रैकेट के अपने को लिखा हुआ है 2 × 8। पहला आप ये करा गुणा करा, क्योंकि गुणा भी है तो माइनस भी है, पहला आप गुणा करा 2 × 8 किन्ने हो गए 16, तो 16 माइनस कर देंगे आप 7। पहला आप सिर्फ गुणा करिए, इस ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट के गुणा पहला गुणा सॉल्व कर ली, फिर अगे देखो जी। हम बहुत बच्चे की करते हैं 27, 38, 35 कर देंगे, ये चीज़ गलत हो चुकी, क्योंकि पहले अपने ब्रैकेट हल करनी है, ठीक है जी। फिर 16 के 7 घटाया कि आ गए 9 आ गए, अपनी ब्रैकेट हल होगी। हम अपने को एक नवी ब्रैकेट बनी हुई है, इन हल करा, हम इस ब्रैकेट के सारे चीज़ा ने प्लस भी है, भाग भी है, डिवाइड भी है, तो रूल के अकॉर्डिंग पहले आप भाग में हल करा। हाँ जी देखो 27 9 के भाग करता, 9 × 27 होंगे कि आजगा 3 आजगा। हूँ फिर आप ब्रैकेट हल करा, 8 × 3 कि होंगे 11, माइनस लिख लिया जी। हूँ ब्रैकेट हल होगी 12 − 11 कि आ गया 1, मतलब कि इस सवाल का आंसर कि होगा 1। इन्हें बोलिया जाता बोर्ड मास रूल। अगे देखो जी 7वां सवाल, 7वां सवाल की है सिंपलीफाई, ये भी बोर्ड मास रूल का क्वेश्चन है। पहला है जी अपने को 10 लिखा हुआ है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के एक ब्रैकेट होर है, इन्हें बोलते हैं आप करली ब्रैकेट, फिर ये एक छोटी ब्रैकेट है। सब तो पहला आप सॉल्व करा छोटी ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, फिर 10 × माइनस करा, तो आप सॉल्व कर दिया जी इन। पहला आप लिख लिया 10 एवं रख लिया, पहला आप सब तो पहले सॉल्व करनी छोटी ब्रैकेट, मतलब कली आह, तो 8 − करली ब्रैकेट लिख ली मैं, 11 आ गया, प्लस का 30 एवं रख लिया, भाग आ गई। हूँ देखो 4 + 2 किन्ने होंगे ने, 6 होंगे ने, तो मैं 6 लिख लिया, फिर करली ब्रैकेट बंद हो गई, फिर की आ गई बाहर बड़ी ब्रैकेट, तो मैं इन्हें थोड़ा जहा ठीक करके लिख लिया। ठीक है जी, इस तो अगे देखो, हूँ देखो फिर आप सॉल्व करा जी करली ब्रैकेट अंदर माइनस, हूँ करली ब्रैकेट के अंदर की है प्लस का साइन भी है, भाग का साइन भी है। पहला आप करते होंगे भाग करा, तो 30 × 6 से भाग कर देंगे कि आजगा 5 आजगा, तो करली ब्रैकेट के अंदर आप 11 एम भी रख लिया, तीहू 6 से भाग करे, क्योंकि भाग जे सवाल के प्लस भी लिखा हो डिवाइड भी हो, तो पहले आप डिवाइड में हल करा, 30 × 6 से भाग करता कि आ गया 5, तो प्लस आप एवं लिख लिया। हूँ की रहू अपने को 10 माइनस, बड़ी ब्रैकेट आप एवं रख ली 8, हम आप हल करा 11 × 5 किन्ने हो गए 16, माइनस का कि आ गया 16, ठीक है जी। हूँ 10 8 − 16 8 + 16 का माइनस का, तो की आ जाऊ अपने को माइनस का 8 आजगा, इनू हल करके, ठीक है जी। 8 − 16 हल करे, आपू ब्रैकेट जी रख रहे, माइनस का कि आ गया 16, फिर आप हल करा। हूँ माइनस तो उरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो साइन चेंज हो गया, प्लस का 8 बन जूगा, तो 10 + 8 किन्ने बन गए 18, 18 अपना की आ गया आंसर आ गया। अगे देखो जी क्वेश्चन नंबर 8, बहुविकल्पी क्वेश्चन है जी अपने को, मल्टीपल चॉइस ने। देखो जी की है 8 − 8 को 2 से भाग किया, 8 को 2 से भाग करा कि आऊगा 4, एक माइनस कितनी बारी, एक बारी का कितना आ गया −4, ऑप्शन बी। अगर देखो जी सैकेंड पार्ट, −7 को −7 से भाग किया, ठीक है जी, 7 × 7 से भाग करा 1 आ गया, तो −2 बारी है, तो +1 बन जूगा, ठीक है जी, तो उरे +1 है नहीं तो आंसर आ जूगा, इन्हों में कोई नहीं, इनू आप बोलते होंगे नन ऑफ दीस, नन ऑफ दीस, जिहड़े दिते हुए इन्हों में कोई भी नहीं है। अगे तीजा देखो जी,
जीरो नू दो ते भाग करिए, अपने को जीरो रोटी है दो बच्चे वंडनी है, तो एक कि आऊगी जीरो आऊगी, तो जीरो की आ गया आंसर आ गया ऑप्शन डी। अगे देखो जी सवाल नंबर नौवां, दो संपूर्ण संख्या का भागफल, जे आप दो संपूर्ण संख्या का भागफल कर दिए कि ना एक संपूर्ण संख्या ही आऊगी। देखो जी सही है या गलत है, देखो आप एग्जाम्पल लवेंगे, मैं दस में दो से भाग करता, दस की है मेरे को संपूर्ण संख्या मतलब कि इंटीजर है, दो भी इंटीजर, आप इन्हों भाग करें कि आ गया पाँच आ गया, ये भी की है एक इंटीजर है, इस केस के सारे इंटीजर आ रहे हैं, मतलब कि संपूर्ण संख्या में संपूर्ण संख्या से भाग की संपूर्ण संख्या प्राप्त होगी। हुण अगे देखो जे मैं सत्त नूं पंज ते भाग करा, मेरे को सत्त रोटियां ने पंज बच्चों नूं वंड रही ने, तो किन्ने किन्ने एक बच्चे रोटी आऊगी, 1.4 आऊगी, मतलब 1.4 आंसर आऊगा। ठीक है जी, क्योंकि सत्त दे पंज आपस च पूरे पूरे कटते नहीं है, तो आप इन्हूं किवें सॉल्व करते हैं, देखो सत्त अंदर पंज बाहर, पंज एकम पंज, सत्त चो पंज घटाए दो, उरे लावांगे पॉइंट, उरे लावांगे आप जीरो, पंज चौका भी कट गए, 1.4 आ गया, तो कि 1.4 मेरी संपूर्ण संख्या हैगी है, नहीं हैगी जी। संपूर्ण संख्या वह होंगी जिदे विच कोई भी पॉइंट ना आए, पॉइंट तो बाद कोई नंबर ना आए, जिमें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 तक, या फिर अगे भी जिन्नी भी सारी संख्यावान कि संपूर्ण ने, तो उरे अपन पता लग गया कि हमेशा नहीं आता है, उरे आप संपूर्ण संख्या संपूर्ण संख्या में भाग की तो संपूर्ण संख्या नहीं आई, मतलब कि हमेशा जे आप इंटीजर में इंटीजर भाग करा तो अपने को इंटीजर नहीं आऊगा, तो यह अपने को गलत है, हमेशा नहीं आऊगा, कदे कदे आ सकता जिमें इस केस के आ गया। अगे देखो जी सवाल नंबर 10, कहिंदा जेकर ए अते बी गैर बराबर ने, कहिंदा ए ते बी बराबर नहीं है, तो गैर सिफर दो संपूर्ण संख्यावां हन, तो ए नू बी नाल भाग कर दिए बराबर होगा बी नू ए नाल भाग कर दिए, कहिंदा जे इफ ए एंड बी आर टू अनईक्वल, बराबर नहीं है ये ए ते बी, नॉन जीरो इंटीजर ने, मतलब कि आपां ए नू मन लैने आपां सत्त मन लैने, बी नू मान लो पंज, जां फिर आपां एवें करदे आ ए नू आपां अठ मन लैने, बी नू मान लिया आपां ने चार, पहलां आपां ने ए नू बी ते भाग करता, मतलब कि अठ नूं चार भागा च वंडता, अठ नूं चार दे भाग करता तो दो आंसर आजूगा, तो हुण कहिंदा जे कहिंदा बी नूं ए ते भाग कर दिए, मतलब कि चार नूं अठ ते भाग कर दिए कि तां वी दो आऊगा, कि जे मेरे को चार रोटियां ने अठ बच्चे नूं वंडणियां कि एक कोल दो दो आणगे, अद्धी अद्धी आऊगी, मतलब कि 0.5 आऊगी, अद्धी मतलब हुंदा 0.5 एक बटे दो, कि ये दोनों बराबर ने, नहीं हैगे जी, तो इस करके की हो गया इह गलत। ठीक है जी, इन्हां ने यही चीज़ पूछी सी अपने को कि सही है जो गलत है, तो आप एक एग्जाम्पल ना इन्हें सॉल्व कर लिया, अपने सपोज कर ले ए अठ है बी चार है। ठीक है जी, तो ये अपने 10 सवालों नाल अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होगी। ठीक है जी, अपनी एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट होगी, तो सारी एक्सरसाइज में दोबारा देखो ताकि थोड़े एग्जाम के वधिया मार्क्स आ सकन। थैंक यू।